आ रहे हैं, लोग ये जाना चाह रहे हैं कि प्राइवेट सिटी का जो विजिट हो रहा है, क्या आपके ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पल में जो प्रस्तावित एयरपोर्ट है उसके आधार से लग रही है? अगर नहीं अभी नहीं, देखिए अभी उसकी औपचारिकता, देखिए पीएम जो भी फाउंडेशन स्टोन रखते हैं सारी क्लियरेंसेज के बाद रखते हैं, उसकी क्लियरेंसेज का प्रोसेस है। वो अभी तक उसका ओएलएस सर्वे हुआ, एक स्टेज हमने पास की, दूसरा सर्वे उसका लीडर सर्वे जिसको बोलते हैं वो हुआ, उसमें भी हम पास हो गए हुए, यानी कि वो भी ठीक आया है। और उसके बाद तीसरा, इसके बाद अगली प्रोसेस जो है फॉरेस्टी क्लियरेंसेज और उसके बाद लैंड एक्विजिशन, ये सारे प्रोसेस बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं, थोड़ा उसमें वक्त लगता है क्योंकि प्राइवेट लैंड है, वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं सबकी बहुत सारी, जिसके असेसमेंट होगा, जिसका कैलकुलेशन होगा, उसके बाद उसका मुआवजा देने का प्रावधान होगा। जब सारी क्लियरेंसेज होती है उसके बाद प्रधानमंत्री जो ऐसे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं। तो क्लियरेंसेज जैसे क्लियर होती है हम कोशिश करेंगे, हम अगले इसके बाद दो फेजेस के बाद तीसरे फेज में हम एंटर करें, और हमारी इच्छा है कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा एयरपोर्ट बने, और जिसके लिए हमने मंडी का ये नागचला वाला जो एरिया है वन विधानसभा क्षेत्र का उसको चिन्हित किया है। और मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि मैं सबसे सहयोग भी चाहूंगा, क्योंकि ये एक जनरेशन के लिए होगा, हिमाचल का भविष्य भविष्य के लिए होगा। ठीक है, इसमें निश्चित रूप से कुछ लोग जिनकी जमीन जाएगी रिहैबिलिटेट करेंगे, उनके लिए मुआवजा प्रदान करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सबके सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाता। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें उनको सहयोग मिलेगा।